नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है DRDO के अंदर टेक्नीशियन की बहुत ही जल्दी IT और डिप्लोमा के लिए वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी का टेंडर का नोटिफिकेशन वो आउट हो चुके हैं। इसी महीने लगभग कंपनी भी तय हो जाएगी, जुलाई अगस्त तक लगभग DRDO के अंदर भर्ती आ जाएगी। तो पिछली बार 2019 के अंदर DRDO के अंदर टेक्नीशियन की जो भर्ती हुई थी उस टाइम कट ऑफ कितनी रही थी, डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। आप अपनी तैयारी इस कट ऑफ के हिसाब से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि DRDO के अंदर जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है। कट ऑफ पे जाने से पहले 2019 का जो नोटिफिकेशन था उसमें मैं आपको लेके चलूंगा, ताकि आपको पता चल सके भी ये जो कट ऑफ है वो कितनी कितनी वैकेंसी की गई है। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए यहां पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आप दे सकते हो 26 जून 2019, ठीक है, ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था। तो देखिए, अपन सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा आप अलग अलग जो ट्रेड है उसके हिसाब से कितनी कितनी वैकेंसी थी, उसके बाद में अपने को कट ऑफ के बारे में सही आकलन अपने को लग जाएगा। देखिए, कोपा के लिए जो वैकेंसी थी यहां पे आप देख पाओगे, कोपा के लिए जो वैकेंसी तो टोटल मिलाकर के 55 वैकेंसी थी। मैकेनिकल के लिए यहां पे 20 वैकेंसी थी। इलेक्ट्रीशियन के लिए यहां पे 49 वैकेंसी थी। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी यहां पे अच्छी वैकेंसी थी, 37 वैकेंसी थी। फिटर के लिए यहां पे 59 वैकेंसी थी। मशीनिस्ट के लिए यहां पे 48 वैकेंसी थी। इस हिसाब से आप अपनी ट्रेड के हिसाब से पहले देख लीजिए वैकेंसी कितनी थी, ठीक है। वेल्डर और टर्नर के लिए भी यहां पे 14 और 24 वैकेंसी थी, टोटल मिलाकर के यहां पे 351 वैकेंसी थी। और इस बार जो वैकेंसी आने की उम्मीद है दोस्तों, 500 से ज्यादा वैकेंसी आने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि 2019 के बाद में लगभग 3 साल हो गए, अभी तक कोई भी DRDO के अंदर भर्ती आई नहीं है। तो लंबे टाइम के बाद वैकेंसी आ रही है। तो पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 350 पदों पर थी लगभग, तो इस बार 500 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी आने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो ऑफिशियल कट ऑफ में आपको लेके चलता हूं। उससे पहले काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करते हैं, लेकिन इस प्रकार की कंपनियां जो गवर्नमेंट जॉब से भी अच्छी सैलरी और फैसिलिटी देती है, आपको अपने भविष्य करियर बनाने का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करती है, उस प्रकार की कंपनियों के अंदर भी आपको आवेदन जरूर करना चाहिए। लेकिन काफी सारे बच्चों को पता नहीं होता भी उस कंपनियों के अंदर अपन आवेदन किस हिसाब से करेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं, जो कि इंडिया की 500 से ज्यादा अच्छी अच्छी रेपुटेड कंपनियां उनके अंदर आपको नौकरी करने का अवसर प्रोवाइड करता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ री लेवल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि अन अकेडमी की तरफ से चलाया गया। बच्चे अक्सर पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद में UPSC या फिर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर माना जाता है। स्टार्टिंग से जैसे कि अपन अपने पेरेंट्स वगैरह से सुनते हैं कि गवर्नमेंट जॉब अच्छी होती है, सिक्योर होती है, अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन ये कहना भी बिल्कुल गलत है कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई दूसरी जॉब है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि आज के समय के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो कि अच्छी सैलरी के साथ में परमानेंट जॉब और अच्छी खासी सैलरीज प्रोवाइड करती है। तो इसी प्रकार की कंपनियों के साथ में बच्चों को जोड़ने के लिए री लेवल की तरफ से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिस इस प्लेटफॉर्म पे टोटल 18 कैटेगरी के अंदर आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और कुछ नए टेस्ट भी लॉन्च किए गए, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसोसिएट का नया टेस्ट लॉन्च किया गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नया टेस्ट लॉन्च किया गया। तो ये टेस्ट देकर के इसके स्कोर के आधार पर आप अच्छी कंपनियों के अंदर जॉब प्राप्त कर सकते हो, और 8 लाख तक की 10 लाख तक की भी CTC आपको यहां पर मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं शुभम सागर जी के बारे में, जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करने के बाद में UPSC की तैयारी स्टार्ट की, लेकिन साथ के साथ खाली समय में इन्होंने खुद की मैगजीन स्टार्ट की। इनकी जो मैगजीन थी वो प्रो रेसलिंग के बारे में थी, लेकिन मैगजीन का काम करते हुए इनको प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। इन्होंने सोच लिया कि इनको प्रोडक्ट मैनेजमेंट के फील्ड में ही जॉब करनी है। इन्होंने UPSC की तैयारी भी छोड़ दी, लेकिन इनके साथ में चैलेंज यह था कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट के फील्ड में आखिर इनको जॉब मिलेगी कैसे। तो इनको पता चला री लेवल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में, और इन्होंने री लेवल के प्लेटफॉर्म पे एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट का टेस्ट लिया, और 15 दिन के अंदर ही इनको जॉब मिल गई। आज ये लॉजिक्यूट्स कंपनी के अंदर प्रोडक्ट मैनेजर की पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, और इंडिया की अलग अलग सिटीज में इनके वो पोस्टर लगे हुए हैं। इसकी खास बात ये की है कि बहुत सारी कंपनियां, 500 से ज्यादा कंपनियां इनके साथ में जुड़ी है, तो अलग अलग स्टेट के अंदर भी आपको हो सकता है, आपको अपने स्टेट के अंदर घर के नजदीक भी आपको जॉब मिल सकती है। और एक चीज और भी अच्छी है कि जो भी मंथली क्या कि 3 टॉप बच्चे होते हैं जो कि टेस्ट के अंदर टॉप परफॉर्मेंस देते हैं, उनको एप्पल के जो प्रोडक्ट होते हैं गिफ्ट स्वरूप प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि आईफोन है, मैकबुक वगैरह, आईवॉच वगैरह भी इनके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में आप टेस्ट देकर के अच्छी कंपनी के अंदर आप जॉब प्राप्त कर सकते हो। हो सकता है आपको भी इस प्रकार की बेहतरीन कंपनी के अंदर गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाए, तो ट्राई आप जरूर करना। तो दोस्तों, ये है 2019 की कट ऑफ, आप अपने ट्रेड के हिसाब से देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी ये Tier 1 की जो कट ऑफ है 150 नंबर में से है, और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद में ये नंबर है वो 150 में से यहाँ पे बताया गया है। मैं अनरिजर्व और OBC कैटेगरी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इन्हीं कैटेगरी से आप मतलब
एससी एसटी वगैरह से हो तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सभी के बारे में बताऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ऑटोमोबाइल के लिए यहाँ पे 150 में से 80 नंबर कट ऑफ गई थी, इसी हिसाब से ओबीसी के लिए 78 कट ऑफ गई थी। कारपेंटर के लिए टोटल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 91 कट ऑफ गई थी, ओबीसी के लिए यहाँ पे 83 कट ऑफ गई थी। कोपा के लिए 78 कट ऑफ गई थी, अनरिजर्व कैटेगरी की ओबीसी की 73 कट ऑफ गई थी। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की अनरिजर्व कैटेगरी की 87 थी, इसी हिसाब से ओबीसी की 84 थी कट ऑफ। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो देखिए सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गई थी वो इलेक्ट्रीशियन की ही गई थी। 150 में से 108 अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, इसी हिसाब से 150 में से 106 नंबर जिन बच्चों के थे ओबीसी के अंदर उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अनरिजर्व कैटेगरी की 84 कट ऑफ रही थी। फिटर के लिए यहाँ पे 93 कट ऑफ रही थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और ओबीसी के लिए 90 कट ऑफ रही थी। मशीनिस्ट के लिए 150 में से 101 रही थी, इसी हिसाब से डीजल मैकेनिक के लिए 97 कट ऑफ रही थी। मोटर मैकेनिक के लिए पूरी 100 यहाँ पे कट ऑफ रही थी। फोटोग्राफर के लिए यहाँ पे 66 कट ऑफ रही थी। ट्रनर के लिए यहाँ पे 95 कट ऑफ रही थी। वेल्डर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी की 103 कट ऑफ रही थी। ओबीसी की यहाँ पे 98 कट ऑफ रही थी। इस कट ऑफ को देखने के बाद में अपने को एक चीज के बारे में स्पष्ट पता चलता है कि 150 में से केवल और केवल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को छोड़ दें तो उसके बाद में जितनी भी ट्रेड है उन सभी की जो कट ऑफ है वो 100 से कम ही कट ऑफ गई, यानी कि अंडर 100 कट ऑफ गई है। मैं मानता हूं कि हो सकता है पेपर का लेवल अच्छा हो जिसकी वजह से कट ऑफ है वो कम गई होगी, लेकिन 150 में से 100 से अगर कम कट ऑफ जाती है तो ये अपन ऐसे नहीं मान सकते कि ये बहुत ही ज्यादा कट ऑफ थी, पढ़ने वाले बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हो, ऐसा नहीं है। तो इस बार जो वैकेंसी है वो 500 से ज्यादा पदों के लिए आने वाली है, तो आप अपनी प्रिपरेशन है वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। डीआरडीओ के अंदर बहुत ही जल्द वैकेंसी आने वाली है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आने के बाद में बहुत ज्यादा मतलब क्या कि जल्दी करने की जरूरत नहीं पड़े, अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा करके अच्छा स्कोर आप एग्जाम के अंदर कर सको। टीयर टू की मैं बात करूं दोस्तों, जो कि ट्रेड टेस्ट था, आपका एग्जाम नहीं था, ट्रेड टेस्ट था, लेकिन इसकी कट ऑफ यहाँ पे नहीं दिखाई गई है। ट्रेड टेस्ट जिन बच्चों ने पास किया उनके यहाँ पे डायरेक्ट आप देखोगे तो यहाँ पे उन बच्चों का यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लगाने के बाद में उनको भी वो मतलब इस सेकेंड टीयर टू था उसके अंदर सेलेक्ट हुए हैं नहीं है उसके बारे में बताएंगे। तो इसके बारे में कट ऑफ कोई भी आपको बता नहीं सकता है टीयर टू के बारे में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।